हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विषाद में। तो दोस्तों, फाइनली एक और आरआरबी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, एक और आरआरबी ने एनटीपीसी का लेवल 5 का पैनल जारी कर दिया है और यहां पर कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और उससे भी बड़ी खुशखबरी दोस्तों यह है कि यहां पर अभी भी जो है बहुत सारी सीटें खाली रह चुकी है, मतलब कि पैनल देने के बाद भी यहां पर कई सारी जो है वैकेंसी अभी खाली रह गई है आरआरबी की तरफ से। वहीं पर बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स वेटिंग में है उनको जो है छात्रों को यहां पर डीवी सेकंड एडिशनल डीवी देने का मौका मिलेगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि पैनल में कई सारे सीटें जब खाली रह चुकी है तो यहाँ पर मेरिट को डिक्रीज करके, कट ऑफ को कम करके यहाँ पर जो है सेकंड डीवी एडिशनल डीवी के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब वेटिंग वाले छात्रों के यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि दोस्तों किस आरआरबी से जो है ऑफिशियल अपडेट आई। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पर्पल के अपडेट्स के लिए। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी दोपहर के 1:38 का वक्त, हमने आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट को ऊपर रखा है। देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़। तो देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो देखिए अभी जो है जस्ट अपडेट दी गई है, CN01/2019 NTPC रिजल्ट प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर लेवल फाइव पोस्ट। देखिए प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर पे लेवल फाइव पोस्ट ऑफ NTPC कैटेगरी नंबर 3, 4, 5 और 6। तो ऐसे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर PDF डाउनलोड होकर के आप सभी के सामने ओपन हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी चंडीगढ़, CN01/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट नोटिस। देखिए ये रखा है कि CBT 1 और CBT 2 और CBTST मतलब कि टाइपिंग टेस्ट को, ठीक है, जो कैटेगरी नंबर 4 और 5 के लिए था उसको, मतलब कि ठीक है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और ये सारी मेडिकल वगैरह हुआ था, उसके बाद जो है पैनल को यहाँ पर प्रिपेयर किया गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है कैटेगरी नंबर 3 मतलब कि गुड्स गार्ड की वैकेंसी के लिए बात करें तो देखिए कैटेगरी नंबर 2-3 में गुड्स गार्ड के लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इम्पेनल 80। देखिए यहाँ पर 80 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, मतलब कि पैनल में नाम दिया गया है, यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा रही है। अगर इसी के बाद बात करें तो कैटेगरी नंबर जो 4 है, देखिए 80 कैंडिडेट्स, यहाँ पर जो कैंडिडेट अपना रोल नंबर देख सकते हैं, रोल नंबर अगर देखने में कोई प्रॉब्लम होती है, नाम भी देख सकते हैं, नाम और रोल नंबर या कुछ भी आपको देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं अपना नाम या फिर रोल नंबर। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जब हम नीचे आएंगे तो देखिए कैटेगरी नंबर 4 में जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये टाइपिंग पोस्ट थी, इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इम्पेनल जिनको पैनल किया गया, 388 कैंडिडेट्स को यहाँ पर इम्पेनल किया गया, मतलब कि यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बुलाव पत्र भेजा जाएगा कैंडिडेट्स को। अब उसी के बाद बात करें तो देखिए यहाँ पर अब जब नीचे आएंगे तो कैटेगरी नंबर जो 5 है, 388 कैंडिडेट्स को देखने के बाद यहाँ कैटेगरी नंबर जो 5 है, ये देखिए कैटेगरी नंबर 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी टाइपिंग पोस्ट थी, इसमें जो है टोटल 175 कैंडिडेट्स को इम्पेनल किया गया है। तो मतलब यहाँ पर कैंडिडेट अपना रोल नंबर देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, जिनको भी सर्च करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आप जो है फाइंड करके, मतलब लिख कर भी आप सर्च कर सकते हैं PDF में। अब उसी के बाद 175 के बाद जो कैटेगरी नंबर 6 है उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो देखिए कैटेगरी नंबर 6 में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट थी, तो इसमें जो है 300 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, इम्पेनल किया गया, मतलब आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इम्पेनल 300, मतलब 300 कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है कैटेगरी नंबर 6 में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट थी इसमें जो है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, इम्पेनल किया गया है, मतलब ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आइए हम देख लेते हैं कि आरआरबी चंडीगढ़ में टोटल लेवल 5 में वैकेंसी कितनी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमने आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियली जो है टाइपिंग जो ऑफिशियली वैकेंसी टेबल को ओपन कर रखा, आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पर से आप देखिए गुड्स गार्ड्स की वैकेंसी से लेकर के आप जो है अपना यहाँ पर यहाँ तक देख सकते हैं। तो देखिए गुड्स गार्ड की कैटेगरी नंबर 3 में बात करें तो टोटल 220 पोस्ट है। देखिए दोस्तों कितनी पोस्ट है, टोटल यहाँ पर 220 पोस्ट है और यहाँ पर अभी कैंडिडेट्स कितने सिलेक्ट किए गए हैं, मात्र 80 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर 140 और भी अभी वैकेंसी खाली है गुड्स गार्ड की पोस्ट के लिए। अगर बात करें तो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट कैटेगरी नंबर 4 के लिए तो यहाँ पर 438 पोस्ट दी गई है टोटल, लेकिन वहीं पर बात करें तो 388 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, इम्पेनल किया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि अभी जो है टोटल 50 कैंडिडेट्स की यहाँ पर वैकेंसी खाली रह चुकी है आरआरबी चंडीगढ़ में इम्पेनल देने के बाद। अब यहाँ पर अगर बात करें कैटेगरी नंबर 5 में तो 197 पोस्ट है टोटल, लेकिन वहीं पर बात करें तो 175 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पैनल में शामिल किया गया है। मतलब अभी लगभग 22 कैंडिडेट्स की और वैकेंसी खाली है लेवल 5 में, टाइप में जो है कैटेगरी नंबर 5 में। लेवल 6 की अगर बात करें तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में टोटल जो है 361 पोस्ट है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो अभी सिर्फ और सिर्फ 300 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, इम्पेनल किया गया। मतलब अभी जो है 61 वैकेंसी और खाली रह गई अभी लेवल 5 में आरआरबी चंडीगढ़ में लेवल कैटेगरी नंबर 6 के लिए। तो यहीं पर बात करें तो आरआरबी चंडीगढ़ के द्वारा जो इतनी सारी वैकेंसी खाली, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 180 जो है गुड्स गार्ड की पोस्ट खाली है और जो है 50 आपकी जो है कैटेगरी नंबर 4 के लिए है,
कैटेगरी नंबर 5 के लिए 22 वैकेंसी और जो है 61 वैकेंसी अभी जो है कैटेगरी नंबर 6 के लिए खाली रह चुकी है। मतलब कहने का मतलब यही है कि दोस्तों अभी जो है और भी पैनल दिए जाएंगे, पैनल से पहले जो है आपका एडिशनल डीवी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब कि आप देख सकते हैं इतनी सारी वैकेंसी खाली रह गई तो इसे खाली नहीं रखा जाएगा, मेरिट को डिक्रीज करके, कट ऑफ को डिक्रीज करके, मेरिट को शॉर्टफॉल करने के बाद यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स लगभग पॉइंट से, 1 पॉइंट से, ऐसा कुछ 1.3 1.2 इस टाइप से मार्क्स से अगर रह गए हैं तो यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर मेरिट को शॉर्टफॉल करने के बाद डीवी के लिए बिल्कुल अवश्य जो है मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स को लगता है कि उनका लेवल 5 में यहाँ पर डीवी के लिए, एडिशनल डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट करके मतलब कि डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, तो ऐसे कैंडिडेट जो है जिनका भी 0.5 से 0.2 0.1 और 1.2 1.3 1.6 ऐसे इस टाइप से मार्क्स अगर रह गया है लेवल 5 में, रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो वो कैंडिडेट अपने डीवी की तैयारी कर लीजिए आरआरबी चंडीगढ़ वाले छात्र, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स को एडिशनल डीवी में मौका मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी, ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि उसके सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर ही मिली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।